हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। आज दोस्तों हमारे पास है मीका बियर्ड ट्रिमर, जो कि आज हम रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाएंगे कि ये मीका बियर्ड ट्रिमर आपको अभी इसी वक्त खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। जानते हैं किस प्राइस में आपको इस मी बियर्ड ट्रिमर को खरीदना चाहिए, खरीदना भी चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप अपने बियर्ड को ट्रिम करेंगे तो किस तरीके का आपको परफॉर्मेंस दे पाएगा। चलिए जल्दी से बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। हमें बॉक्स के साथ मिल जाता है एक बिल, तो इसको हम साइड में रखते हैं। प्राइस वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा जरूर से। ये रहा हमारा बॉक्स, मीका बियर्ड ट्रिमर यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल, IPX7 की रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अच्छी तरीके से आप इसको पानी से धो सकते हैं। 40 लेंथ का आपको यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाता है, 90 मिनट का कॉर्डलेस यूज मिल जाता है, वो चीज मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। बॉक्स के साइड में देखें तो मी बियर्ड ट्रिमर यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है, और पीछे आपको काफी सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख। प्राइस वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है 3000, लेकिन हाँ इतने में नहीं है। बॉक्स को जल्दी से खोलते हैं, देखते हैं अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी सबसे पहले बॉक्स में आपको मिलता है कि यूजर मैनुअल, पढ़ने वाले नहीं है, साइड करते हैं। बाकी बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं देख, बॉक्स के अंदर बॉक्स है, बड़ा कॉम्ब देखने को मिल जाता है 10 mm का, प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है। जो प्लास्टिक है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा हल्का है। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है हमारा एक ट्रिमर जो कि हम रखते हैं साइड में, बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो यहाँ पर हमें एक केस देखने को मिलता है जिसके अंदर आप अपने ट्रिमर को रख के कहीं पर भी कैरी करके लेके जा सकते। ब्रश देखने को मिल जाता है जिससे आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। केबल देखने को मिल जाता है, टाइप सी वगैरह तो नहीं है। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। आते हैं अपने ट्रिमर के ऊपर, देखते हैं हमारा ट्रिमर कैसा। तो ये हमारा ट्रिमर, इसको निकालते हैं पॉलीथीन से। पॉलीथीन काफी ज्यादा बढ़िया दिया है, मतलब पॉलीथीन ही काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। एक रग टाइप का यहाँ पर पॉलीथीन मिलता है। ये रहा हमारा ट्रिमर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रिमर देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और हाँ, बात करें इसकी वेट की तो वेट काफी ज्यादा कम लगता है, काफी हल्का है, लाइट वेट है। 270 ग्राम का वेट मिल जाता है। सबसे पहले आप इसको टच करेंगे तो सबसे पहली बात आती है बिल्ड क्वालिटी। ब्लैक कलर के साथ साथ प्लास्टिक मेटल का प्रीमियम लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एडजस्टमेंट डायल देखने को मिलता है, ये मेटल का बनाया है। दोनों हाथों से आपको यहाँ पर घुमाना होगा, तब जाके यहाँ पर जो लेयर है वो इंक्रीज होगा, देख क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है, थोड़ा भारी टाइप का है। पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये थी इसकी साउंड, हालांकि साउंड काफी ज्यादा कम है दूसरे अगर हम ट्रिमर से कंपेयर करें, इतना ज्यादा साउंड हमें नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पर आपको इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है जो कि शो करेगा आपका बैटरी यहाँ पर कितना है। बाकी हाँ, ये जो छोटा वाला कॉम्ब है वो इसके साथ लगा हुआ है, अगर आपको इसको निकालना है तो मैक्सिमम लेंथ पे आपको इसको इंक्रीज करना होगा और उसके बाद इस तरीके से आपको ऐसे खींचना होगा, इस तरीके से निकल जाएगा कि सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जिसकी लुक काफी ज्यादा बढ़िया है। मेटल का ये बनाया हुआ है, इसको आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए सिंपली आपको इस पे हाथ रखना है और पीछे की तरफ खींचना है, तो देख सकते हैं काफी दूर फेंकाया है वो। मेटल का ये बना हुआ है और काफी ज्यादा भारी है। यहाँ पर मोटर हेड आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, अगर हम इसको घुमाएं तो ये देख सकते हैं। और अंदर का जो एरिया है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, और हाँ, पानी से आप धो सकते हैं, यहाँ पर पानी डाल सकते हैं। पीछे की तरफ आपको एक पोर्ट देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप पानी मत डालिएगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। भले आप यहाँ पर पानी वगैरह डाल सकते हैं, इस ब्लेड को लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको ऐसे कोने में रखना है, ये देखिए, और इस तरीके से अगर आप प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप एडजस्टमेंट डायल को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5, 2.5, तो इसके साथ ही साथ आपको 20 एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आपको यहाँ पर दो कॉम देखने को मिल जाते हैं, बड़े और छोटे। तो इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर 40 एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं जिससे आप अपने बियर्ड को ट्रिम कर पाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी आदत है अपने ट्रिमर को कहीं लेके ट्रैवल करने की तो और भी ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रैवल लॉक जो कि आप इनेबल कर पाएंगे। सिंपल आपको अपना जो पावर ऑन ऑफ का बटन है उसको आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे 3 बार यहाँ पर जो LED इंडिकेशन लाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक करेगा, उसके बाद आपका जो ट्रैवल लॉक है वो इनेबल हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर पावर का ऑन ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो ये चालू नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाए। बाकी हाँ, अगर आपको ऑफ करना है ट्रैवल लॉक, सिंपली 3 सेकंड तक आप यहाँ पर इसको क्लिक करके रखेंगे। बाकी आप दोस्तों बात करते हैं चार्जिंग की। 5 वोल्ट 2 एम्पियर के चार्जर से आप इसको चार्ज कर पाएंगे 2 घंटे के अंदर, यानी 120 मिनट में इसको फुल चार्ज कर पाएंगे। ये आपको 90 मिनट का रन टाइम दे पाए। अगर आप इसको 5 मिनट चार्ज करेंगे तो 10 मिनट यूज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपको प्लग एंड प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी आपका जो ट्रिमर है अगर उसका चार्ज एकदम जीरो हो जाता है तो आप डायरेक्ट प्लग कीजिए और आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। ये फीचर मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, मतलब जीरो चार्ज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको अपने चार्जर से कनेक्ट कीजिए और ट्रिम करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर जो आपको केस देखने को मिलता है, यहाँ पर मी का लोगो, केस की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। और केस के अंदर आपका सारा सामान है आ जाता है, मतलब जो चीज है आपको कैरी करना है सारा चीज वो यहाँ पर आपके केस के अंदर आ जाता है।
तो अभी दोस्तों काफी बार ट्रिम करने के बाद पूरा जो चेहरा है साफ हो गया अच्छी तरीके से, और हाँ अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। 0.5 mm में लगा के मैंने सेव किया है। अगर आप यहाँ पर ये जो कॉम ये लगा के अगर आप करते हैं तो अगर आपको साफ करना होगा तो इसको बार बार बाहर निकालना होगा, उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। और हाँ IPX7 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, अच्छी तरीके से आप इसको पानी से धो सकते हैं, पर हाँ शावर में यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ दोस्तों सेव करते वक्त मेरे को एक प्रॉब्लम महसूस हुई है कि इसका जो पावर का बटन है वो पीछे है, आगे देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग सेव करते हैं आगे से, तो यहाँ रहता तो काफी ज्यादा अच्छा रहता, यहीं से बंद कर देते और चालू कर देते। कभी कभी ये भी होगा कि आप सेव करते करते आपका जो पावर का बटन है वो प्रेस हो जाएगा, तो वो चीज का प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है। फिर भी ओवरऑल काफी अच्छी तरीके से ये सेव कर देता है। जिस प्राइस में ये आता है लगभग 1000 के प्राइस में ये आता है, ऑफर के दौरान आपको 800-900 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, तो उसके अंदर देखा जाए तो बेस्ट ट्रिमर आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि काफी सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल ट्रिमर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। ट्रिमर को आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू।